हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईसीसी वुमेंस टी20 अफ्रीका क्वालिफायर्स मुकाबले की, जो कि दोस्तों ये मुकाबला MOZW बनाम CAMW के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। इसमें फैंटेसी टिप्स के यहाँ पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ है। लास्ट टाइम आपको अपनी फैंटेसी टीम भी देने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, MOZW से पलमेरा, इजावेल, इरेन, सीमागैया, रैक्यूल, इसावेल, ओल्गा मेडसलो जो कि दोस्तों कैप्टन है MOZW की, ए सलोमाओ, एवलिना मोज, रजीना मजुआ। बात करता हूँ CAM वुमेन की प्लेइंग 11 की। एमी नगुनू जो कि दोस्तों कैप्टन है, सी मनीदोम, एम वसेला, वरेंदा, एस ए अखेंजी, एम एन सिस्काको, बी एम अबीदा, एल्सा खाना, ए टी मवेलियो, सैनरा और रेनेदोमन। दोस्तों, आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि CAM वुमेन की प्लेइंग 11 है। बात करता हूँ मैं वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की, तो बताऊँ दोस्तों ये मुकाबला 5 सितंबर ट्यूजडे को 1 बजे से ये मुकाबला जो कि दोस्तों बोट्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन में ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करूँ मैं जाएगी पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों आपको बता दूं न्यूट्रल पिच है, बैटर्स के लिए पिच ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। वेदर रिपोर्ट की बात करूँ दोस्तों, बारिश के यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं बनेंगे। बात करता हूँ मैं ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दूँ CAM वुमेन जो कि गुड फॉर्म है रिसेंट मैचेस में, इसके जितने चांसेस ज़्यादा बनेंगे। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस से कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस है दोस्तों CAM वुमेन टॉस जीत सकती है एंड पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है। फ्रेंड्स, मैच एक्सपर्ट वाइज की बात करूँ तो दोस्तों आपको बता दूँ पलमेरा को एज ए स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड रजीना मजुम्बा को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों ही खिलाड़ी आपके लिए एज ए स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन जो रहेंगे। बात करूँ एड टू एड मुकाबले की, तो दोनों टीमों के बीच एक भी एड टू एड मुकाबला नहीं खेला गया। लाइव टेलीकास्ट आप फैन कोड पर देख सकते हो। पॉइंट्स टेबल की बात करूँ तो दोस्तों आपको बता दूँ MOZ वुमेन जो कि दोस्तों 6वें स्थान पर है, 2 मुकाबले में से 1 मुकाबला विन किया है एंड CAM वुमेन जो कि दोस्तों 7वें स्थान पर है, 2 मुकाबले में से ये भी 1 मुकाला विन किया है। फ्रेंड्स, फैंटेसी टिप्स की बात करूँ तो टॉप ऑर्डर बैटर आप जरूर पिक करिए एंड डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराए उनके लास्ट में विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। विकेट कीपर में दोस्तों दोनों सही हैं, आप किसी एक को जरूर सेलेक्ट कर सकते हो, हालांकि एमी नगुनो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। फ्रेंड्स, विनिंग प्रेडिक्शन की बात करूँ फ्रेंड्स तो CAM वुमेन जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज MOZ वुमेन टीम से, जो अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हो आप दोस्तों MOZ वुमेन के सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करूँ फ्रेंड्स कुछ मुकलाड़ी जो कि MOZ वुमेन के, जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, पलमीरा, सीमागला, इजावेल, ओल्गा मेडसलो, ए सलामाओ एंड रगीना मजुबा। दोस्तों, आप ही मुकलाड़ी देख सकते हो जो कि MOZ वुमेन की मुकलाड़ी है, जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। बात करूँ फ्रेंड्स मुकलाड़ी जो कि CAM वुमेन के, जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, एमी नगोनू, सी मनीदोम, एम वैसला, एम एन सिसाको, बी एम अबीदा एंड ए टी मवेलियो। दोस्तों, आप ये मुकलाड़ी देख सकते हो जो कि CAM वुमेन की मुकलाड़ी जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए। बात करूँ फ्रेंड्स बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक दोस्तों MOZ वुमेन की तरफ से रहे हैं, वलमीरा, इजावेल, इरेन मलोबो, सीमागला एंड रक्यूल डोवैन। दोस्तों, आप ये बेस्ट ऑवर देख सकते हो जो कि MOZ वुमेन की तरफ से बेस्ट ऑवर रहे हैं। बात करूँ मैं इस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों पलमेरा को एज ए वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो एंड ओल्गा मेडसलो को एज ए कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। फ्रेंड्स, सी मनीदोम एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो एंड एम एन सिसाको को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। फ्रेंड्स, इंजर्ड की बात करूँ दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड अपडेट नहीं हुआ है। बात करूँ अपनी फैंटेसी टीम की, तो दोस्तों आपको बता दूँ विकेट कीपर में एमी नगुनो को सेलेक्ट किया है, बैट्समैन में एम वसेला, सीमानी दोब, आई मबुंदा को दोस्तों सेलेक्ट किया है, ऑलराउंडर में पी कोनिका, सीमागैया, आई ह्यूमा एंड एम एन सिसाको को दोस्तों सेलेक्ट किया है, बॉलर में ए टी मोबाइलर, ए सलमोव एंड आर मजुबो को दोस्तों सेलेक्ट किया है। बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो कैप्टन जो कि आई मबुंदा को कैप्टन बनाया एंड वाइस कैप्टन सीमागला को मैंने अपनी फैंटेसी टीम में वाइस कैप्टन बनाया। फ्रेंड्स, जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पक्का दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए और फैंटेसी टीम प्रोडक्शन लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली न्यूज वीडियो में फिक्शन भी आपको सबसे पहले पहुँचे पॉसिबल 11 चैनल की तरफ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।